न रक्षाबंधन की छुट्टी मिली, न छठ न दिवाली की मिलेगी, क्या नीतीश के राज में हिंदू त्योहार भी नहीं मनाएंगे? वो अफसर कौन है जिसने एक आदेश निकाला और मच गई खलबली? बीजेपी ने कहा नीतीश है हिंदू विरोधी। क्या हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करके मोदी को हराएंगे नीतीश? ममता दीदी का असर नीतीश पर दिख रहा है। क्या बिहार में हिंदुओं को त्योहार मनाने की आजादी भी नहीं मिलने वाली है? क्या नीतीश के रहते वहाँ के हिंदू सुकून से पूजा पाठ भी नहीं कर सकते? क्या वहाँ आने वाले दिनों में शरिया कानून लागू होने वाला है? क्योंकि जो सवाल हिंदू त्योहार की छुट्टी को लेकर उठ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। एक इत्तेफाक देखिए, पूरा देश यहाँ तक कि बिहार के 37 जिले भी जब रक्षाबंधन की छुट्टी मना रहे थे, बिहार के किशनगंज जिले के स्कूल के शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ की DIO ने उन्हें छुट्टी नहीं दी और बोला कि ऊपर से आदेश है कि रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल करो। यही वो जिला है जहाँ एक सीट से ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, छुट्टियों में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत से जुड़े हैं तो सवाल उठने लगे हैं। ये बिहार सरकार की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर बताते हैं असल विवाद आखिर क्या है। पहले रक्षाबंधन के मौके पर 30 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 7 सितंबर को छुट्टी थी। हरितालिका तीज पर भी छात्रों को 2 दिन 18 और 19 सितंबर को छुट्टी दी गई थी। जूतिया पर 6 अक्टूबर के दिन छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के सबसे बड़के अधिकारी KK पाठक ने एक आदेश निकाला और जूतिया की छुट्टी रद्द हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन कम हो गई, दिवाली से छठ तक 5 दिनों की छुट्टी कम हो गई, यहां तक कि गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। इसके पीछे दलील क्या दी गई वो अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नीतीश बाबू ने क्या गजब दिमाग लगाया है। मतलब छात्रों को आगे करके नीतीश कुमार ने अपनी सियासी रोटी सेंक ली। छुट्टियां रद्द करने के पीछे की ये वजह बताई गई कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या फिर कभी चुनाव को लेकर तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर स्कूलों को बंद करना पड़ता है, त्योहारों को लेकर अलग छुट्टियां रहती हैं। पर इसकी वजह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइमरी स्कूल में कम से कम 200 दिन और छठी से आठवीं तक के स्कूलों में कम से कम 220 दिनों की पढ़ाई का प्रावधान पूरा नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। पर यहां सवाल ये है कि जिस बिहार के छठ की प्रधानता विदेशों तक है, वहां छठ के दौरान जब गांव में गीत बज रहे होंगे, घर में लोग व्रत कर रहे होंगे, तो बच्चों को तैयार करवाकर स्कूल कैसे भेजेंगे? क्या सिर्फ इसलिए स्कूल खोला जा रहा है ताकि ममता बनर्जी की तरह ये संदेश दिया जा सके कि हम हिंदुओं के तैशी कम और मुस्लिमों के रहनुमा ज्यादा हैं? बिहार से बंगाल की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों पड़ोसी राज्य भी हैं और नीतीश कुमार चूंकि इंडिया गठबंधन में भी हैं तो ममता बनर्जी से उनकी हाल फिलहाल में मुलाकात भी हुई थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी से मुलाकात का नीतीश बाबू जैसे इंजीनियर दिमाग वाले आदमी पर इतना असर पड़ गया कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे? विकास का वादा कर सत्ता में आने वाले नीतीश आजकल जो काम कर रहे हैं उसे देखकर सवाल उठना लाजमी है। ये छुट्टी रद्द करने वाला फैसला भी एक ऐसे ऑफिसर ने निकाला है जो नीतीश के सबसे खास हैं। 1990 बैच के IAS अधिकारी KK पाठक का नाम उन अधिकारियों की लिस्ट में शामिल है जो नेता मंत्री से अक्सर भिड़ते रहते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से विवाद को लेकर कुछ दिन पहले ये सुर्खियों में भी आए थे। लालू को कभी KK पाठक का अंदाज पसंद नहीं आया और चंद्रशेखर RJD कोटे के ही मंत्री हैं, इसीलिए दोनों में इतनी ठन गई कि CM साहब को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। आप छुट्टियां रद्द करने वाले बवाल पर नीतीश कुमार क्या करते हैं? चंद्रयान 3 की तरह ये कह देंगे कि हमें पता ही नहीं, या फिर लालू की सलाह से आगे का फैसला लेंगे? देखने वाली बात होगी।